गाइस मैं नहा ली हूँ और आप करते हैं पूजा। मम्मी पूजा कर रही, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज है नवरात्रि, तो सभी को हैप्पी नवरात्रि। तो भगवान माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे। और मम्मी ने अभी फूल वगैरह तोड़े हैं, तो मम्मी करेंगे पूजा। मैं जा रही हूँ नहाने, मैं मिलती हूँ आपको नहाने के बाद। और पूजा करेंगे साथ साथ, आप भी देखना, राम मंदिर भी दिखाऊँगी आपको पूरा कम्प्लीट, हमने सजाया था कल। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो गाइस मैं नहा ली हूँ और अब करते हैं पूजा। मम्मी पूजा कर रहे हैं, तो मैं भी मम्मी का साथ देती हूँ, पूजा करते हैं। तो चलो चलते हैं। तुम्हें माता तुम पिता तुम बंधु प्रजा महेश वंदे पुष्टिवर्धनम परिवार कमी विवंदन मृत्यु मोक्षी अमावता त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवन्दन मृत्युमोक्षीयमावृतम्। कतिसुति माफ करना बाबा जी। जय जय श्री परिवार, जय श्री परिवार, जय श्री परिवार, जय श्री परिवार, जय जय जय। मम्मी लगा रही हैं भोग, और हमने ना सांझी भी लगाई हुई है, और मैं आपको ना सांझी का भजन भी सुनाऊंगी। तो ऐसे ही हमारा साथ देते रहना, प्यार देते रहना, वीडियो को शेयर करते रहो और लाइक करते रहो। तो बने रहना ऐसे ही हमारे साथ। तो फ्रेंड्स अब हम खाना मैं बना लेती हूँ, खाना खा लेते हैं। मम्मी यहाँ बैठे हैं। मम्मी आपको नवरात्रों की शुभकामनाएँ देना चाहते हैं। नवरात्रों की शुभकामनाएँ आपको, खुश रहो, सुख शांति रखे भगवान। तो मम्मी ने भी आप सभी को आशीर्वाद दे दिया है। तो ऐसे ही हमारा साथ देते रहना, बने रहना ऐसे ही हमारे साथ। मैं बना लेती हूँ खाना। बच्चे गए हैं स्कूल, ये भी गए हैं ड्यूटी पर। तो इंस्टा पे भी आप, मैं रील वगैरह डालती हूँ, तो आप देख लेना, अपना आशीर्वाद देना हमें। ऐसे ही इंस्टा पे भी अपना प्यार देते रहना, लाइक करते रहना और सब्सक्राइब भी कर लेना। जिन्होंने नहीं किया है, जो फर्स्ट टाइम देख रहा है ब्लॉग को, वो भी सब्सक्राइब कर लेना। और फेसबुक पे भी है, रील डालती हूँ मैं, आप देख लेना उसे भी। और वहाँ पर भी आप हमें हमारे साथ जुड़िए और हमें अपना प्यार दीजिए, लाइक करते रहिए ऐसे ही, है ना मम्मी? मम्मी भी बोल दो मम्मी कि हाँ लाइक करते रहिए, ऐसे ही लाइक करते रहो। अब तो मम्मी ने भी बोल दिया, अब तो लाइक कर देना प्लीज़। तो मैं बना लेती हूँ खाना, तो हम फिर मिलते हैं। तो गाइस ये हम गए थे, नज़दीक ही थी मार्केट, गए थे माता का सामान लेने, और फिर हमने सामान लिया। और मैं अब आपको दिखा देती हूँ सामान। थोड़ा सा ही लिया था, खुला सामान लिया था ना, तो इतना ही लिया था हमने। तो गाइस माता का सामान लेने गए थे, तो वो ले आए हैं। माता का लेने गए थे सामान, चूड़ियाँ, मेहंदी, क्योंकि पहले माता नवरात्रि है ना, माता को चढ़ाते हैं। और फिर जो माता को पहले चूड़ियाँ हम जैसे श्रृंगार चढ़ाते हैं ना, खुला, जैसे खुला एक तो वो होता है, जैसे नेल पेंट, लिपस्टिक, बिंदी, पहले माता का श्रृंगार माता को चढ़ाया, माता को लगाया, बिंदी लगाई माता, फिर जो पहले वाली चूड़ियाँ होती है ना, वो मैं पहन लेती हूँ माता की। माता का प्रसाद होता है ये, फिर वो अभी मैंने माता को चढ़ा दिया था। और अब मैं बनाऊँगी कोफ्ते। मम्मी ने घिया तो कर दी थी कद्दूकस, ये देखो करके रखी हुई है। और क्योंकि प्याज लहसुन का वो लगाना नहीं है, क्योंकि नवरात्रि है ना, तो जीरे के ही कर दूंगी मैं उसको। जीरे, टमाटर डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं बस, और लहसुन प्याज नहीं डालना। तो मैं बनाती हूँ कोफ्ते, और जब बन जाएंगे फिर मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है? क्योंकि
मैं बाद में ही आपको दिखाती हूँ, ठीक है, बना लूँगी ना फिर। गाइज यहाँ पे मैं बना रही थी कोफ्ते, और बस कोफ्ते बनाने के बाद फिर बनाऊँगी खाना।